खंडवा अपनी मांगों को लेकर महाविद्यालय छात्रावास के विद्यार्थियों पहुंचे आदिम जाति कल्याण विभाग। इनका कहना है लाखों रुपए छात्रावास के लिए आए, छात्र क्यों तरस रहे हैं। जिले की महाविद्यालय के छात्रावासों के लिए अंग्रेजी कोचिंग की जाती है, अंग्रेजी कोचिंग बंद है या चालू है, कोई अधिकारी इसकी सुध लेने वाला नहीं। शासन के नियमानुसार छात्रावास की सामग्री की राशि विद्यार्थी या पालक अध्यक्ष के बैंक खाते में जमा कर खरीदी की जाती है। आपका विभाग खरीदी किस आधार पर कर सकता है? वह संबंधित विभाग ऑफिस के सामने झुंड के साथ जय भीम के नारे लगाते हुए बैठ गए, जिसके बाद अधिकारियों ने चर्चा की और जल्द से जल्द इसकी जांच कराने का आश्वासन दिया। इस अनुसूचित जाति जनजाति छात्र संघ के द्वारा आदिम जाति कल्याण विभाग में मांगों को लेकर घेराव किया गया, और मांग नहीं, पहले तो हमने ये सवाल उठाया है क्योंकि ज्ञापन पहले भी दिए जा चुके हैं, लेकिन आज तक उस पर निराकरण नहीं हुआ है। आज कर्मचारी और विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर हम आदिम जाति कल्याण विभाग आए हैं। विद्यार्थियों को कई महीने से पिछले वर्ष भी स्कॉलरशिप नहीं मिली और इस वर्ष भी कई विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप नहीं मिली है। स्कॉलरशिप के अलावा कई विद्यार्थियों को आवास भत्ते का लाभ नहीं मिला है। कर्मचारियों के नियमितीकरण और जो स्थानांतरण, उनमें धांधली का सामना करना पड़ा है, वो समस्या भी यहाँ पर है। छात्रावासों में सुविधाओं के नाम पर सिर्फ दिखावा किया जा रहा है, गद्दे फटे हुए मिल रहे हैं, खाना व्यवस्थित तरीके से नहीं मिल रहा है, अधीक्षकों को एक छात्रावास से दूसरे छात्रावास दौड़ाया जा रहा है, कर्मचारियों के नाम पर सिर्फ एक कर्मचारी तो कहीं दो कर्मचारी नज़र आ रहे हैं और बाकी कर्मचारी बंगलों पर अटैच नज़र आ रहे हैं। तो इसी समस्या है, बहुत सारी समस्या है। इनके संदर्भ में हमने पहले भी ज्ञापन दिया था लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं हुआ। आज हम सहायक आयुक्त के पास आए और उन समस्याओं के निराकरण करवाने के लिए आए। खंडवा से जावेद एलजी की रिपोर्ट।